हेलो गाइस, मैं उज्जय शर्मा, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग के लेकर आए हूँ बहुत ही खतरनाक वेपन। हाँ गाइस, बहुत ही खतरनाक वेपन लेकर आए हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही है। जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ मेरे हाथ से नाखून ऐसे निकलेंगे निकलेंगे नहीं, बस मैं पकड़ सकता हूँ उन्हें, काफ़ी अच्छा फील आएगा। तो वो आपने मूवी देखी कि नहीं देखी है, एक्समैन, उसमें इस तरह के लोगन के नाखून इस तरह निकलते लंबे लंबे, भाई काफ़ी खतरनाक मूवी है, मैंने देखी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो उसके मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मेरे पास में ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास में लोहे की शीट पड़ी हुई, चद्दर है लोहे की, तो काफ़ी हल्की सी मोटी है, ठीक है, नॉर्मल है। तो ये मेरे पास में काफ़ी मतलब तीन सालों से लगभग ये पड़ी हुई है, घर में मेरे काम चला था तो उस समय ये आई थी, तो बच गई थी इतनी, तो काफ़ी दिनों से रखी हुई है। मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, भंगार में ऐसे ही पड़ी थी काफ़ी दिनों से, तो आज टाइम आ गया इसका कुछ करने का, तो वही मैं बनाने वाला हूँ इससे चद्दर का। तो ज़्यादा मैं आपको लोगों का टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से थोड़ा भी बता देता हूँ। और हमारे पास में देखिए एक ये लोहे की रॉड रखी हुई है, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये भी काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, तो आप जानते हैं मैं भंगार क्या करता हूँ, वही मैं करने वाला हूँ आज। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने क्लाउज की कटिंग काट ली है, यही सेफ हमारा रहेगा, इसके मैं सेफ 6 पीस काटूंगा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये वाइट पेपर है, इसके मैं 5 पीस और काट लेता हूँ। तो उसके बाद में ये देखिए मेरे पास में ये मेटल की शीट है, इस पर मैं इसे 6 पीस चिपका लूँगा। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर चिपका लिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मैं इसकी ग्लेंडर की सहायता से कटिंग करने वाला हूँ, तो इसकी कटिंग मैं अपने वर्कशॉप में करूँगा, और अगर यहाँ मैं कटिंग करूँगा तो काफ़ी गंदगी फैलेगी रूम में और मम्मी मुझे बहुत मारेगी। चलिए अपनी वर्कशॉप में आपको मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने वर्कशॉप में आ चुका हूँ, और ये फटाफट से मैं सेटअप बैठा लेता हूँ और इसकी कटिंग करता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैंने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में वॉल्वरीन क्लाउज बनाकर तैयार कर लिए। देखिए कितने खतरनाक लग रहे हैं मुझे गाइस, ऐसे पहनने में काफ़ी गजब की फीलिंग आ रही है। तो अभी गाइस ये वेपन तो नहीं है, क्योंकि अभी गाइस मैंने इसमें देखिए धार नहीं लगा रखी है, ये देखिए सिर्फ ऐसा ही है, नॉर्मली है, तो मैं इसे इन्हें ऐसा ही रखूँगा, मैं धार नहीं लगाऊँगा इसमें। बाकी के 100 पीस के लिए इन्हें मैंने बना रखा है। और गाइस वैसे मैं वॉल्वरीन लग रहा हूँ ना, नहीं लग रहा हूँ क्योंकि बस बॉडी नहीं है मेरे पास वॉल्वरीन वाली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैंने तो इन्हें बना ही लिया है, और इनको मैं पास दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए कितनी गजब की शाइनिंग आ रही है इसमें, ये देखिए गाइस। तो और यहाँ पर देखिए मैंने इनमें वेल्डिंग करा रखी है, देखिए मैंने इसमें वेल्डिंग की थी, और इससे काफ़ी मजबूत हो चुके हैं ये, जैसे टूटने वाले नहीं है बस। तो गाइस वैसे भी मैंने इसे केवल इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए बनाया है, तो आप इन्हें देख कर सिर्फ इंटरटेन होइए और बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि धारदार हथियार रखना गैरकानूनी होता है, इसलिए मैंने इसमें धार नहीं लगाई है, सिर्फ नॉर्मली एक लोहे के तरीके हैं सिर्फ ये। और इन्हें मैं ऐसे 100 पीस के लिए रख दूंगा, देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, बस और कुछ नहीं है। और गाइस मेरा ये वॉल्वरीन क्लाउज कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। और गाइस अगर आपने मेरा वो फॉरग्रीन कटाना वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।